पहले तो मेन रोड पर चढ़ जाते थे। बेटल ये एयरफोर्स म्यूजियम है दिल्ली का। इसमें आज़ादी से पहले के जो लड़ाकू विमान थे ये सब एयरफोर्स जो यूज़ करता था वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। ये लड़ाई के टाइम पे जितने भी थे ना। और ये देख रहे तुम उधर गाड़ी देखो, ये एयरफोर्स की इंदिरा गांधी की गाड़ी है, ये कार है। हाँ ये कार। इंडियन एयरफोर्स ये 1940 to 1950 समथिंग जितने भी एयर कमांड यूज किए गए थे ना वो सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे यहाँ पे। ओके ये देखो इस विमान ने 1957 से 1973 के बीच में क्या नाम होते हैं। ओके ये फ्रांस के साथ जब लड़ाई हुई थी जब था ये। तो हमारे तो इन फ्लाइट जहाजों के ऊपर बैठ के फोटो है। अब ये जंजीरें लगा दिए तो इसको टच नहीं करने देते, वरना हम पहले छोटे थे तो हम तो उसके ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ के अंदर फोटो क्लिक कराएंगे। बस बढ़िया सर। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, पूछना क्या कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मटेरियल है वो जो हिमाचल का सेम एड्रेस है उसी पे भेजना है ना, है ना। और सेकंडली ये पूछा था कि ट्रांसपोर्ट को ही मेरे को सजेस्ट कर देंगे जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता हूँ। सुमित जी से बात हुई थी वो मना कर देते कि मैंने भेजा नहीं। ट्रैक्टर आर्मी का हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है। जिप्सी तो बैगी
ये बाहर देशों की, ये पाकिस्तान से जीती हुई है ये सब, ये दूसरे देशों से जो विजय स्मारक है ना, जो विजय करी गई हैं, जीती गई हैं, वो चीज़ें उनकी उठा के लाए हुए हैं। ये तो बाहर की हैं, हमारी नहीं है, दूसरी कंट्री, जैसे पाकिस्तान की है देखो, वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का युद्ध में अमर वश हो गया, ये पाकिस्तान का एंट्री है, देख रहे हो, पाकिस्तान से आ गए हैं, ये चीन का है। पाकिस्तान, चीन ने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान से हम लोगों ने कब्जा लिया है। वो पाकिस्तानी ट्रक।